Very good morning, my dear students. Students, as we are studying chapter some natural phenomena, and our today's topic is earthquakes. Students, you just learn about thunderstorm and lightning. We have previous lecture mein, thunderstorm or lightning. Ke these नेचुरल फिनमिना कैन कॉज large स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी हमने ये भी जाना कि ये जो नेचुरल फ़िनमिना ये जो कुदरती ये जो इंसिडेंट्स होते हैं ये जो कुदरती घटनाएं होती हैं इनसे जो है ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फॉर्चुनेटली दीज फिनमिना कैन predicted to टू extent लेकिन एक बात अच्छी भी है कि हम इन्हें ये जो जैसे लाइटनिंग हो गई या थंडर स्टॉम हो गया ये कुछ ऐसे नेचुरल फिनमिना है इन्हें हम कुछ हद तक जो है पहले से ही प्रडिक्ट कर सकते हैं कि अभी लाइटनिंग होने वाली है या थंडर स्ट्राम होने वाला है द वेदर डिपार्टमेंट कैन वर्न अबाउट थंडर स्ट्राम डेवलपिंग इन सम एरिया जो वेदर डिपार्टमेंट होते हैं यानी कि जो वेदर फॉरकास्टिंग की जाती है उसकी मदद से हमें पता चल जाता है कि किन एरियाज़ में थंडर स्ट्राम होने वाला है इफ थंडर स्ट्राम ओक्कर देर इज आल्ट ज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग एंड साइक्लोन्स एंड कंपनिंग इट और अगर कहीं पर थंडर होने वाला है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि लाइटनिंग भी होएगी और साइक्लोन भी आ सकते हैं तो वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट जो होते हैं वो नाउ डेज जो है बहुत अच्छे से जो है हमें हेल्प कर देते हैं इस चीज़ में पहले से वार्न कर देते हैं ताकि जो है हम कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने हम इन ये जो नुकसान करती हैं ये नेचुरल फिनमिना इनसे खुद का बचाव कर सके सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट सेल्फ फ्राम द डैमेज काज बाय दिस फिनमिना जो वेदर फॉरकास्टिंग डिपार्टमेंट होते हैं उसकी आ, मदद से हमें जो है टाइम मिल जाता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इन सभी डैमेज से ठीक है देयर इज हावर वन नेचुरल फिनोमिना विच वी आर नॉट येट एबल टू प्रोडक्ट लेकिन इतना ज़्यादा तरक्की करने के बावजूद साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर दी है लेकिन उसके बावजूद जो है कुछ नेचुरल फिनमिना ऐसे भी हैं जिन्हें हम पहले प्रोडक्ट नहीं कर पाते हैं जैसे कि उनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल फिनमििना हो गया अर्थ अर्थ एक ऐसा कुदरती घटना है जिसके आने जिसका पता हमें जो है आने से पहले नहीं पता चलता है बाकी जो कुदरती घटनाएं होते हैं उनकी प्रोडिक्शन हम कर लेते हैं बाय यूजिंग सम साइंस साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज बट अर्थक्विक के लिए अर्थ क्विक को प्रोडिक्ट करने के लिए अभी तक साइंटिफिकली कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि अर्थक्विक आने से पहले ही उसकी प्रोडिक्शन हो जाए इट कै इट इज एन अर्थ इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ ह्यूज स्केल और ये ऐसा नेचुरल फिनोमेना है ऐसी कुदरती घटना है जो डैमेज जो है वो ह्यूज स्केल में करती है इतना लाइटनिंग या थंडर स्ट्राम इतनी डैमेज नहीं करते लाइफ एंड प्रॉपर्टी जितना अर्थक्वेक करती है लाइटनिंग और थंडर स्ट्राम सिर्फ वहीं पर डैमेज करते हैं जहाँ पर वो पड़ती है जैसे ही बड़े टॉल बिल्डिंग्स पर लेकिन वहाँ पर भी अगर लाइटनिंग कंडक्टर लगे हुए हों तो वो बिल्डिंग्स भी बच जाती हैं तो लाइटनिंग और थंडर स्ट्राम इतनी तो वो डैमेज नहीं करते हैं जितना अर्थ करता है और यही हमारे लिए परेशानी की बात है चिंता की बात है कि हम अर्थक्विक को नहीं करते कर पाते हैं पहले जबकि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक कुदरती घटना है अ अर्थ क्विक अकड़ इन इंडिया ऑन 8 अक्टूबर टू थाउजेंड फाइव बहुत से अकर हुए हैं इंडिया में जैसे कि यहाँ पे कुछ बताए हुए हैं जैसे एट्थ अक्टूबर टू थाउजेंड फाइव में यूरी एंड टांग डार्ड टाउन जो कि कश्मीर नॉर्थ कश्मीर के एक दो टाउन से यहाँ पे जो अर्थक्वेक आया था बहुत ही भयानक अच्छा हिंदी में अर्थक्वेक को भूकंप कहते हैं बच्चों एज ऑल नो बहुत ही भयानक भूकंप आया था इससे बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी ये देखिए वहाँ की एक पिक्चर दी गई है जो अर्थक्वेक के बाद ली गई है कि इस तरह से जो बिल्डिंग्स हैं वो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुकी हैं बिफोर दैट अ मेजर अर्थक्वेक अक्ड और इससे पहले जो है ट्वेंटी सिक्स जनवरी टू थाउजेंड वन में बुज डिस्ट्रिक्ट गुजरात के बुज डिस्ट्रिक्ट में आया था वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तबाही की थी भूकंप ने लेकिन अब सवाल ये आता है यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है वट इज़ एन अर्थ क्वेक अर्थ होता क्या है वट है इसके होने के बाद क्या होता है अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो क्या होता है वट कैन वी डू टू मिनिमाइज़ इट्स इफेक्ट ठीक है हम प्रडिक्ट नहीं कर पाते हैं इसे पहले से लेकिन क्या इसके इफेक्ट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं जैसे हमने लाइटनिंग और थ्रेटनिंग वो लाइटनिंग और थंडर स्ट्राम से बचने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए क्या हम इसके इफेक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए कुछ स्टेप्स ले सकते हैं दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन विच वी शैल डिस्कस वील अब यही जो क्वेश्चन हैं हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे डिस्कस वट इज एन अर्थ क्वेक अर्थ क्वेक होता क्या है बच्चों एन अर्थ क्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम अर्थ क्विक जो है एक सडन शेकिंग एकदम से जो है अर्थ नीचे से अंदर से जो धरती है वो हिलने लगती है ट्रैवल करने लगती है और बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ट्रैवल करती है ऐसा नहीं है कि हिल रही है तो वो हिलती रहेगी जैसे हवा चली तो पेड़ हिल आ, शेक करना स्टार्ट होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो फिर आ, थोड़े टाइम तक जो है शेक ही करते रहते हैं वैसे अर्थ थोड़े टाइम के लिए शेक करती है लेकिन उस थोड़े से टाइम में भी बहुत तबाही कर जाता है अर्थ इट इज़ काज बाई डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट ये क्यों होता है क्योंकि डीप इनसाइड द अर्थ कुछ डिस्टर्बेंसेस जब प्लेट्स टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं और वो एक दूसरे के साथ टकराती हैं तो वो जो शेकिंग है वो ऊपर तक एक्सपीरियंस की जाती है ठीक है अर्थ क्विक ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं इस लाइन से इनका क्या मतलब है कि जो अर्थ है वो हर वक्त हो रहा होता है पूरी अर्थ ऑल ओवर द अर्थ जो है हर वक्त चल रहा होता है इसका ये मतलब है बच्चों कि जो अर्थ के इनसाइड टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो हर समय मूव कर रही होती हैं बस उनकी जो मूवमेंट है उसे हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं उसे नोटिसबल नहीं कर पाते हैं लेकिन क्योंकि वो बहुत ही धीरे मूव कर रही होती हैं बट अगर कभी ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ के इनसाइड मूव कर रही होती हैं वो एक दूसरे के साथ टकरा जाती हैं तो उस वक्त हम जो उनकी मूवमेंट है उसे एक्सपीरियंस कर पाते हैं यानी कि एक सडन शेकिंग एक सडनली वेव्स प्रोड्यूस होती हैं अंदर इनसाइड द अर्थ जो ऊपर तक जो है नोटिज़बल होती हैं उसे हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रिक्वेंट दे कैन काज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग्स ब्रिजेस डैम्स एंड प्यूपर और जब अर्थक्वेक आता है बच्चों तो ये बहुत ही ज़्यादा तबाही करता है बिल्डिंग्स की ब्रिजेस की आपने देखा होगा सुना होगा न्यूज़ में जब अर्थक्वेक आता है भूकंप आता है तो कितनी कितनी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं ब्रिजेस टूट जाते हैं और बहुत से लोग जो हैं बिल्डिंग्स के आगे आ, नीचे आकर जो है वो उनकी डेथ्स हो जाती हैं तो ऐसी न्यूज़ जो है अर्थ क्विक आता है जब तो आपने सुनी होगी बच्चों टेलीविजन में किस तरह की तबाही जो है भूकंप करता है द अर्थ क्विक्स केन काज फ्लड्स लैंड स्लाइड सुनॉमीज़ अर्थ क्विक्स की वजह से फ्लड्स आती हैं लैंड स्लाइड्स अ मेजर सुनामी अक्ड़ इंडियन ओशन ऑन ट्वेंटी सिक्स दिसम्बर टू थाउजेंड टू थाउजेंड में एक बहुत ही बड़ी सुनामी मेजर सुनामी आई थी इंडियन ओशन में ट्वेंटी सिक्स दिसंबर टू थाउजेंड में ऑल द कोस्टल एरियाज अराउंड द ओशन सफ़र ह्यूज लॉसेज और इस सुनामी की वजह से जितने भी कोस्टल एरियाज़ थे उन्होंने हीज लॉसेज सफ़र किए थे यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था ये तो हो गया बच्चों अर्थ क्विक क्या होता है किस तरह से वो नुकसान करता है नाउ वट काज इज एन अर्थक्विक अर्थक्विक होता किसकी वजह से है ठीक है अ मिथ इज वेरी फेमस दैट द अर्थ इज बैलेंस्ड ऑन द हॉर्न ऑफ बुल एंड वेन द बुल शिफ्ट इट टू द अदर हॉर्न एंड अर्थक्विक टेक प्लेस आपने ऐसी एक मिथ सुनी होगी मिथ का मीनिंग होता है बच्चों एक काल्पित कहानी यानी कि एक एक इमेजनरी स्टोरी सुनी होगी कि जो अर्थ है उसे बैलेंस कौन कर वो किस पे टिकी हुई है जो बुल के हॉर्न्स होते हैं जो बुल के सींग होते हैं उस पे टिकी हुई है और जब बुल जो है अपने ये अर्थ को शिफ्ट करता है मतलब एक हॉर्न पे टिकी हुई है जब वो शिफ्ट करता है दूसरे हॉर्न पे तो अर्थ को है ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है साइंटिफिकली ऐसा कोई रीज़न नहीं है जस्ट एक uh, कहानी है ये हाउ कोड इट बी इट बी ट्रू अब बात ये आती है कि क्या uh, ये सच में uh, सच थी या क्या किसी ने इस कहानी को क्यों कहा ऐसा क्यों कहा गया है इन एंशंट टाइम्स पीपल डिड नाट नो द ट्रू काज ऑफ अर्थ जब पुराने समय की बात है बा, बात करें अगर हम तो उस सम उस जमाने के जो लोग थे उनको साइंटिफिक रीज़न्स देना नहीं आते थे क्योंकि साइंस ने उस वक्त तरक्की ही नहीं की हुई थी साइंस का उस टाइम पे नाम ही नहीं था तो साइंटिफिकली लॉजिक नहीं पता होते थे लोगों को तो वो कुछ भी कोई भी एक काल्पनिक कहानी बना दिया करते थे कि इसका ये रीज़न होगा इसका ये रीज़न होगा तभी ऐसा होता है देअर आइडियाज़ वर देअर फॉर एक्सप्रेसड इन मिथिकल स्टोरीज इसीलिए उनके जो भी आइडियाज़ होते थे वो उनकी काल्पनिक स्टोरीज में बयान करते थे अपने आइडियाज़ को सिमिलर मिथ्स वर प्रिवलेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वट कु डिस्टर्बेंसिस इन साइड द अर्थ अब बात आती है ये तो होगी कि जो एंशियंट टाइम्स में लोगों ने मिथ्स दे दी कि अर्थ कोई क्यों आता है बट साइंटिफिकली इसका जो प्रॉपर लॉजिक है वो क्या है कि क्यों जो है इनसाइड की द uh, अर्थ जो है ये डिस्टरबेंस काज होता है और उसके उसकी वजह से अर्थ क्विक आता है नाउ वी नो दैट द ट्रेमर्स आर काज बाय डिस्टरबेंस डीप डाउन इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल क्रस्ट तो बच्चों क्या होता है कि ट्रेमर्स काज होते हैं डीप इनसाइड द अर्थ uh, uh, अब बात की आती है ट्रेमोर्ट्स क्या होते हैं ट्रैमोर्ट्स यानी कि जो स्लेटिंग uh, जो शेकिंग हो रही होती है ना अर्थ के अंदर उसे कहते हैं ट्रेमोट्स ठीक है तो अपर मोस्ट लेयर है जो अर्थ की जिसे हम क्या कहते हैं क्रस्ट क्रस्ट के डीप डाउन जाके जो है ट्रैमोर्ट्स हो रहे होते हैं अर्थ के नीचे द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ नॉट इन वन पीस और हम ये भी जानते हैं कि जो आउटर मोस्ट आ, लेयर है अर्थ की वो एक पीस में नहीं है इट इज़ फ्रेगमेंटेड ईच फ्रेगमेंट इज़ कॉल्ड अ प्लेट और यहाँ पर जो है प्लेट्स पाई जाती हैं ये देखिए यूरेशियन प्लेट अरेबियन प्लेट दीज प्लेट्स आर इन ए कंटिन्यूअल मोशन जो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ये जो प्लेट्स होती हैं वो कंटीन्यूसली मूव करती रहती हैं ठीक है वो मोशन में रहती हैं वेन दे ब्रश पास वन अनदर और अ प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलिजन दे काज डिस्टर्बेंसेस प्लेट्स जो है वो मूव कर रही हैं ठीक है एक प्लेट ये होगी एक ये होगी मूव कर रही हैं लेकिन जैसे ही ये प्लेट जो हैं एक दूसरे के नीचे आ जाती हैं या फिर बिल्कुल आमने सामने आके टकरा जाती हैं तो कोलिजन होता है ठीक है और इनकी कोलिजन की वजह अर्थ क्रस्ट में डिस्टर्बेंसिस काज होता है ठीक है वो इट इज दिस डिस्टर्बेंसिस दैट शोज अप एज एन अर्थ क्विक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वही बात है कि ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ अर्थ के इनसाइड ड्यू टू कोलिजन ऑफ प्लेट्स टेक्टोनिक प्लेट्स इसी को हम कहते हैं अर्थ क्विक ठीक है ऑल दो वी नो फॉर श्योर वट काज इज एंड अर्थ क्विक इट इज़ नॉट गेट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट वेन एंड वीयर नेक्स्ट अर्थ क्विक माइ अक्कर हाँ भले ही ये पॉसिबल है कि अर्थक्वेक काज कैसे होता है हमें ये पता है लेकिन अभी तक ऐसा कोई तरीका नहीं आया है जिससे हम अर्थ आने से पहले ही प्रोडिक्ट कर लें या फिर अगर यहाँ मतलब किसी प्लेस पे अर्थक्वेक हुआ है तो उसके बाद हम नेक्स्ट अर्थक्वेक को प्रोडिक्ट कर पाएँ यानी कि वही बात होगी कि अर्थक्वेक को आने से पहले हम प्रोडिक्ट नहीं कर पाते हैं ट्रामोर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बिकॉज वेन कैनो अरब्स और मिट्टोर हिट्स द अर्थ और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज कैरिड आउट जो ट्रामोर्स है यानी कि जो सडनली शीकिंग हो रही होती है अर्थ में वो वॉलकैनिक uh, अरप्शन की वजह से यानी कि जब वॉलकैनोस एरपन हो वॉलकैनिक एरप्शन होती है जब लावा पटता है मैग्मा रिलीज होता है जैसे कि आपने आप सब जानते हो बच्चों तो उस टाइम पे उसकी वजह से भी जो अर्थ के इनसाइड जो है शेकिंग फील की जाती है और जैसे मीटोर हिट करता है अगर कोई मीटोर जो है गिरता है हमने अभी स्टार्स एंड सोलर सिस्टम में पढ़ा कि मीटोरस जो है आ, अर्थ पे आते हैं तो जब वो हिट करता है अर्थ की सरफेस को तो उस टाइम पे भी शेकिंग को फील किया जाता है और या फिर कोई अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तब भी ट्रेमोर्स जो हैं वो आते हैं अर्थ में सो so, स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि अर्थ क्वेक क्या है होता है अर्थ कु जो है काज कैसे होता है क्या रीज़न्स है जिनकी वजह से अर्थक्वेक आता है अर्थ की वजह से जो है बहुत ज़्यादा डैमेज होता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी को नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अर्थक्वेक को मेजर कैसे किया जाता है माने कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट है उसका क्या नाम है कैसे हम मेजर करते हैं ठीक है ये डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या आ, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए अर्थ क्विक के टाइम पे ओके स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे